अखंड परमताम सेवा संपत्ति ते समूह गुरु परिवार अखंड धर्मताम युग ज्ञान साधना केंद्र पटियाला वालों युग पुरश श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की सरप्रस्ती हेठ 28वां भगती योग वेदांत संत सम्मेलन करवाया जा रहा है। संत सम्मेलन के प्रबंधकों ने दसिया कि समुचे भारत विचों संत महापुरख इस समागम शिरकत कर रहे हैं। ये समागम 7 सितंबर तो 11 सितंबर तक निरंतर चलता रहेगा। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। क्यों भारत माता की जय में हम सब सम्मिलित, भारत का कल्याण हमारा है, ठीक है, इसलिए भारत माता की जय। अब हम एक दो बातें, हम गुरुओं की वो बात तो हमें गहरे से लेनी चाहिए, हल्के फुल्के ढंग से नहीं। पहला तो ये, भई प्राप्त मानुत देव, इसी को अनेक ढंग से बताया तो संक्षिप्त, मनुष्य का देह हमें मिला है गोविंद मिलन की ये देह बनी, माने परमात्मा के पाने के लिए मिला। कुछ उपदेश अलग अलग स्तर के, एक समय संसार से मन हटाना है, इसमें हमारा मन फंसा है और गुरुओं ने कहा ऐसे मन फंसा है जैसे दीवार में कोई चित्र बना दो, हटा नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में संसार बस गया है, हटता नहीं। उन्हीं गुरुओं ने दूसरी जगह कहा है, दूसरे स्तर के लोगों के कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं हो। और ये दोनों बातें लिखे चाहे हम बोलते, कैसे हम समझें कि ये माया है और कैसे समझें ये गोविंद है, ये दो बातें कैसे। और जब तक ये गोविंद नहीं लगता तब तक संसार से मन हटाना है, जब ये गोविंद लगने लगे तब मन से जगत नहीं हटाना, ये तो गोविंद, सब गोविंद। तो ये एक एक बात अलग अलग, जैसा कि अभी सुन रहे थे, मेडिकल स्टोर में सब दवा है पर कौन सी दवा किसे देनी है, किस व्यक्ति को कौन दवा फायदा करे, ये गुरु चाहते थे, किसको जप बनाना, किसको सेवा में लगाना, किसको आत्मज्ञान देना,
और ये हल्की फुल्की बातें नहीं है। गुरु जी ने ये कह दिया, ये तो क्या है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी इतना है कि उसको परमात्मा ढूंढता है, माने इतने कम है ब्रह्म ज्ञानी कि भगवान को भी ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलते। और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा किस अर्थ में है, इसका क्या भाव है, ये तो कोई ना कोई ज्ञानी बताएगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, पर गुरु ग्रंथ साहब समझाएगा कैसे, कोई ना कोई संत समझाएंगे। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ये गुरुवाणी का, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे धीमत, क्या भाव है सृष्टि का कर्ता है। गलत लोगों ने सुना और गुरुओं के पास चले गए, संतों के ये सब कर सकते हैं, वाणी में लिखा है, क्या भाव है। जब तक भाव नहीं समझे, हम कई एक आध विदेशी चिढ़ गए क्योंकि उन्होंने पढ़ा ब्रह्मज्ञानी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इस आशा से आए, उनका काम हुआ नहीं। और विश्वास की बात, एक बात मैं भूलता नहीं, लुधियाना की है, क्या कमाल विश्वास में कितनी ताकत है। मुझे लगा गुरुओं से ज्यादा जो विश्वास करते हैं उनमें बड़ी शक्ति। इलायची गिर मंदिर में मैं ठहरा था, माता का नाम तो मुझे याद नहीं है, उनके लड़के का नाम अविनाश, अभी भी पता लगा नहीं, कहानी नहीं है। मैं कथा करता था, वो रोज आके बैठ जाए, वो वाणी के आधार पर गुरुओं पे विश्वास था, तो वो कहे हमें अपने पे विश्वास नहीं। उन्होंने कहा आप आशीर्वाद दो लड़का हो जाए, आशीर्वाद दो मेरे लड़के के लड़का नहीं है लड़का हो जाए, मुझे अपने पे विश्वास नहीं। मैं झूठ नहीं कहता है, मुझे अपने पे विश्वास नहीं करके मैं कहूँ, मैं डरता रहता हूँ कहने, और इसलिए भी डरता हूँ कि कहूँ नहीं होगा तो इसका संतों से विश्वास टूटेगा। एक लड़के को चर्म रोग था और हरमंदिर साहब में सरोवर में वो पानी लेके आया, लगाया, तो उनके पिता ने लड़के के मेरे से कहा आप भी प्रार्थना करो इसका ठीक हो जाए। क्यों? हमारे गुरुओं ने तालाब सरोवर की महिमा गाई है, ठीक नहीं होगा तो ये नास्तिक बन जाए। मन की ना हो परमात्मा से, एक बेटी हमारी शिष्य थी, उसकी माँ बीमार थी, ये कथाएं नहीं है सच्ची घटना है। उसने प्रार्थना की कि मेरी सच्ची भक्ति हो तो माँ ठीक हो जाए, ठीक नहीं हुई। तो उसने बोल दिया कि मैं नास्तिक हूँ, बड़ा खतरा। तो एक सिख ने जिसके लड़के को रोग था, सरोवर का पानी लिया, उन्होंने मेरे से भी कहा कि ठीक हो जाए नहीं लड़के नास्तिक बन जाएंगे। आज हर धर्म में जवान नास्तिक है, कोई एक धर्म में नहीं कह रहा, कोई भी धर्म नहीं है जिसके युवा नास्तिक नहीं बन रहे। क्यों बन रहे? ग्रंथों को समझा नहीं, अर्थ मन का कर लिया, नहीं हुआ तो नास्तिक बन गए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 28वां भक्ति योग विद्यांत संत सम्मेलन सतगुरु स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में 7 सितंबर से 11 सितंबर तक हो रहा है। ये प्रोग्राम सनातन धर्म कुमार सभा भवन में हर रोज़ शाम को 4 बजे से 7 बजे तक और सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक होता है। सुबह की सभा में पहले योगा का प्रोग्राम होता है 7:15 बजे तक, 7:15 से 8 बजे तक सतगुरुदेव भगवान अपने प्रवचन सभी श्रोताओं को देते हैं।
इसी प्रकार शाम की सभा होती है। शाम की सभा में हमारे देश से अलग अलग स्थानों से आए महात्मा भाग ले रहे हैं। चित्रकूट से स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी, हरिद्वार से साधु दिव्य चेतना जी, हरिद्वार से ही ज्योतिर्मयानंद जी महाराज आए हुए हैं। कल 9 तारीख को साधु निरंजन ज्योति, जो स्टेट मिनिस्टर है कैबिनेट की, केंद्रीय सरकार की, वो आ रहे हैं। वो 4:30 बजे आएंगे और हमारे प्रोग्राम में भाग लेंगे। ये विधान संत सम्मेलन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 11 तारीख को शाम को 7 बजे इसकी अंतिम सभा होगी। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन में आकर संत महात्माओं का आशीर्वाद ग्रहण करें और इस आयोजन को सफल बनाएं। और सर, इसका मेन मकसद क्या है? लोगों में प्यार, भाईचारा, धर्म के साथ जोड़ना, क्या मकसद होता है इसका? इसका मेन मकसद यही है कि लोगों में प्यार बना रहे और भाईचारा बना रहे और लोग सनातन धर्म का अपने जो संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं उसमें कुछ सुधार हो। मैंने देखा अंदर बहुत से धर्मों के लोग बैठे हैं, लोग और धर्मों के लोग भी आते हैं। हाँ, ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें सब धर्म के लोग आते हैं। पहले महाराज बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वाले आया करते थे, अब इस हरचरण सिंह जी त्रिपड़ी कुटिया से भी भाग लेने आए हैं। और कैसे लोग लंबा समय बैठना पड़ता है, लोग आराम से बैठते हैं? ऐसा है क्योंकि आजकल संत सम्मेलन बहुत कम मिलते हैं, ये बड़ा मुश्किल के मौका होता है, जो साल के बाद लोग वेट करते हैं कि कब ये संत सम्मेलन होगा। ये सभी लोग इसलिए आते हैं।